Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल हादी फाउंडेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 85 पर दी गई सरगर्मियों को हल करेंगे, जो कि हैं मिलाइए, मिलाइए, अलग कीजिए, अलग कीजिए। पहली सरगर्मी में हमने हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाने हैं और दूसरी सरगर्मी में हमने दिए गए अल्फाज में से हरूफ को अलग करके दी गई खाली जगह में लिखना है। सरगर्मी नंबर एक करते हैं, जो कि है मिलाइए। इस सरगर्मी में हरूफ को मिलाकर आपने लफ्ज़ बनाने हैं, यानी उनको लिखने और पढ़ने की मश करनी है। सबसे पहले हमारे पास हरूफ हैं बे, छोटी ए। बे, छोटी ए, जब हम इन दोनों हरूफ को मिलाएंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बनेगा बे, छोटी ए, बी। बे, छोटी ए, बी। आगे हमारे पास हरूफ हैं जीम और छोटी ए। जीम और छोटी ए को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बनेगा जीम, छोटी ए, जी। अगले हर्फ है हमारे पास डाल और छोटी ए। डाल, छोटी ए, डी। सीन, छोटी ए, सी। क्याफ, छोटी ए, की। लाम, छोटी ए, ली। और आखिर में हम लिखेंगे नून, छोटी ए, नी। ये हमने इस सरगर्मी में दो हरूफ को मिलाकर दो हरफी अल्फाज बनाने की मश की और इनको पढ़ना सीखा। अब हम सरगर्मी नंबर दो की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है अलग कीजिए। इस सरगर्मी में आपको दो हरफी अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, जो कि हैं पे, छोटी ए, पी। हे, छोटी ए, ही। रे, छोटी ए, री। स्वाद, छोटी ए, सी। तोए, छोटी ए, ती। गाफ, छोटी ए, गी। और मीम, छोटी ए, मी। आपने इन दो हरफी अल्फाज में से हरूफ को अलग करके लिखने की मश करनी है। सबसे पहले हमारे पास दो हरफी लफ्ज़ है, जो वो है पे, छोटी ए, पी। इस लफ्ज़ में दो हरूफ इस्तेमाल हुए, पे और छोटी ए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हे, छोटी ए, ही। इसमें हर्फ हे और छोटी ए इस्तेमाल हुए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास रे, छोटी ए, री। इसमें दो हरूफ रे और छोटी ए इस्तेमाल हुए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास स्वाद, छोटी ए, सी। इसमें दो हरूफ स्वाद और छोटी ए इस्तेमाल हुए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तोए, छोटी ए, ती। इसमें दो हरूफ तोए और छोटी ए इस्तेमाल हुए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गाफ, छोटी ए, गी। इसमें हर्फ गाफ और छोटी ए इस्तेमाल हुए। और आखिर में हमारे पास लफ्ज़ है मीम, छोटी ए, मी। इसमें हर्फ मीम और छोटी ए इस्तेमाल हुए। ये हमने इन दो सरगर्मियों में हरूफ को मिलाकर लिखने और अलग करने की मश की। आपने भी अपनी किताब के सफ़ा नंबर 85 पे इन सरगर्मियों को इसी तरीके से हल करना है।